है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेयर में हमने क्रिम करके रखा हुआ है, प्रिपरेशन में अकॉर्डिंग टू हेयर आपको प्रिपरेशन करना है। देन यहाँ पे मिडल पार्टीशन ले रही हूं, सो आफ्टर मिडल पार्टीशन ईयर टू ईयर सेक्शन, सेक्शन बाय सेक्शन वर्क करना जरूरी है। यही होती है हमारी थियोरी, जहां पे आपको सिखाया जाता है कहां से आपका मिडल पार्ट होता है, कहां से आपका ईयर टू ईयर सेक्शन होता है, कितना सेक्शन आपको रखना है। सो ये हो गया आपका मिडल पार्टीशन। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ईयर टू ईयर सेक्शन। सेक्शन आपका एकदम नीट एंड क्लीन स्ट्रेट सेक्शन। देन सेकेंड साइड में वर्क करेंगे, अगेन सेम पार्टीशन। नेक्स्ट पार्टीशन, तो ये हो गया हमारा पार्टीशन सेक्शनिंग। देन बैक साइड, टेंगल फ्री रखना जरूरी है और अच्छे से प्रिपेयर करना फॉर फिनिशिंग के लिए जरूरी है। दो चीजें आपकी 100% प्रिपरेशन होगी, टेक्निक प्रॉपर होगी तो आपका वेरिएशन एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। यहां से सेक्शन में अलग कर रही हूं, फर्स्ट सेक्शन करेंगे एंड नीचे एक पोनी क्रिएट करेंगे, पोनी बना देंगे। प्रॉपर फिनिशिंग में वर्क करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपका हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट होगा। जैसे जैसे वर्क कर रहे हो मेक श्योर आपका पार्टीशन प्रॉपर हो। यहाँ पे रबर बैंड लेनी है एंड एकदम नीचे मेरी रबर बैंड होगी। देन फर्स्ट सेक्शन बैक कॉमिंग, बैक कॉमिंग में कितना एंगल रखना है, किस तरह से आपकी फिनिशिंग आती है, चलो बताइए। कितने लोगों को बैक कॉमिंग में प्रॉब्लम होती है, पफ बनाने में, फिनिशिंग में प्रॉब्लम होती है? फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है अगर वो समझ में आएगा आपको। बैक कॉमिंग प्रॉब्लम है, एंगल प्रॉब्लम है, सेक्शनिंग प्रॉब्लम है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स या प्रिपरेशन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर आपकी सॉल्व नहीं हुई है तो आपका पर्फ परफेक्ट नहीं बनेगा, फिनिशिंग के साथ में नहीं बनेगा। सो बहुत जरूरी है फिनिशिंग में आपका वर्क होना। तो कितने लोगों को फिनिशिंग में प्रॉब्लम आ रही है? कौन सा स्प्रे किया मैम ये आपने? शाइन स्प्रे था ऑसिस का। मुझे ओके मी ओके बैक कमिंग ओके ओके। सो आज आपको मैं एक बहुत इजी टेक्निक से एक पफ बनाना तो एटलीस्ट आपको सिखा ही दूंगी कि आप इसके बाद आप पफ परफेक्टली बना सको। और डीप नॉलेज के साथ में अगर आपको सीखना है तो हमारा 3 दिन का मास्टर क्लास भी आ रहा है 16, 17, 18 अगस्त को, जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के। तो पहले हम पफ सीखते हैं, फिर डिटेल में मैं बात करूंगी आपसे कि क्या है हमारे 3 दिन का क्लास का डिटेल। सो पहले मैंने सेक्शनिंग लिया, आपने देखा मैंने सेक्शनिंग कहाँ से लिया है। इसके बाद मेरे वेरिएशन के लिए मुझे बहुत डीप पफ नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा पफ नहीं चाहिए, सटल एक पफ क्रिएट करना है राउंड शेप में। फर्स्ट सेक्शन बैक कॉमिंग, दैट्स इट।
ये बैक कमिंग होने के बाद आपकी स्प्रे स्प्रे का एंगल एंड फिनिशिंग बाउंस एंड डाउन एंड स्प्रेड इट इन अ राउंड मोशन. ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया. सेकेंड लेयर. सो यहां पे मैंने दूसरा लेयर लिया है. अगेन बैक कॉमिंग. सी द बैक कॉमिंग टेक्निक. जितना बैक कॉमिंग किया उतने पे ही मैंने हार्ड स्प्रे किया. फ्रंट में लेके उसको मैंने आगे पुश किया एंड बैक और फिनिशिंग. ऊपर के साइड से फिनिशिंग देते जाना है आपको. ये हो गए प्रॉपर आपकी पफ के लिए सेक्शनिंग बैक कॉमिंग स्प्रे नॉलेज एंगल सब कुछ. अकॉर्डिंग टू ग्रोथ आपके क्लाइंट के ग्रोथ के ऊपर भी आपका टेक्सचर डिपेंड करता है. सी अब मुझे ज्यादा बड़ा पफ नहीं चाहिए तो मैं अभी इतना ज्यादा आपको दिखाने के लिए सिर्फ बैक कॉमिंग किया. अभी एकदम सटल बैक कॉमिंग से मैं वर्क करूंगी. बड़े बड़े सेक्शनिंग लूंगी और बैक कॉमिंग करूंगी. जस्ट रूट बैक कॉमिंग विथ यहां पे मैंने एंगल्स चेंज किया. मेरी डिग्री चेंज हुई सो मेरे आगे की फिनिशिंग भी चेंज होगी. जस्ट सी आप देख सकते हो आगे की फिनिशिंग भी अब मेरी चेंज हो रही है. जैसे जैसे मैं वर्क कर रही हूँ मेरी फिनिशिंग भी अब चेंज होती जाएगी. फिनिशिंग लेयर बढ़ते जाएंगे. नेक्स्ट लेयर फिनिशिंग प्रॉब्लम है बिकॉज कहीं ना कहीं आपका सेक्शन गलत है, बैक कॉमिंग टेक्निक गलत है, प्रिपरेशन गलत है. तो ये सारे रीजन हो सकते हैं फिनिशिंग नहीं आने के. सबसे पहले फिनिशिंग के लिए आप प्रिपरेशन सीखो. बैक कॉमिंग किस तरह से करना है, स्प्रे कितना करना है, डायरेक्शन सीखो. बहुत छोटी बात होती है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आपके प्रॉपर फिनिशिंग में वर्क करने की. एंड लास्ट सेक्शन ये मेरा फिनिशिंग लेयर होगा. जहां पे सिर्फ और सिर्फ रूट में बैक कमिंग हुई एंड उसको मैंने फिनिशिंग दिया एंड यू कैन जस्ट सी थैंक यू मैम. हेयर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्सचर करो. ऊपर शाइन स्प्रे. किसी के हेयर स्ट्रेट है, किसी के बेबी है, किसी के कर्ली है, किसी का ग्रोथ कम है, ग्रोथ ज्यादा है. बहुत सारे प्रिपरेशन में आपको ध्यान रखना है. अकॉर्डिंग टू ग्रोथ अकॉर्डिंग टू टेक्सचर आपको वर्क करना है क्लाइंट के हेयर पे. सबके लिए एक ही जैसा प्रिपरेशन नहीं होता है. सी मैम स्प्रे कौन सा है? मैंने आज ऑसिस का शाइन स्प्रे एंड बी प्रोफेशनल. जस्ट सी द फुल लुक ऑफ आवर. यहाँ पे मैंने एक ब्रेड स्टाइल किया है इसलिए मैंने हाइट ज्यादा नहीं की है. कब आपको ज्यादा हाइट करनी है अकॉर्डिंग टू फेस आप जज कर सकते हो वो चीज. और यहाँ पे मैं पिनिंग कर देती हूँ. पहले मैं पिनिंग कर देती हूँ अच्छे से. पिनिंग कहाँ पे होगी इसकी? एकदम नीचे.
डन। एक साथ मैंने सारे बालों को फोल्ड कर दिया। इजी टेक्निक, क्विक। तो ये हो गया आज का हमारा प्रॉपर पफ बनाने की एक इजी क्विक टेक्निक। अगर आप बोलो अभी टेक्सचर कैसे समझे, प्रिपरेशन कैसे करना है, सेक्शनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर ग्रोथ कितना है और उस पर बैककॉमिंग से वॉल्यूम कैसे देना है, तो ये सब आपका टेक्सचर और प्रिपरेशन मैटर करता है कि आप टेक्सचर पहचानो, वॉल्यूम कितना है, कितना ग्रोथ है क्लाइंट के हेयर पे, इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। आप हेयर फाइबर का यूज कर सकते हो, स्टफिंग का यूज कर सकते हो, तो बहुत सारे वे हैं जिससे आप पफ बना सकते हो क्लाइंट के हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग, राउंड शेप। तो ये ही सारी चीजें जो छोटी से छोटी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें मैंने प्लेन लिया है, आप इसमें पुलिंग टेक्निक भी कर सकते हो, सिंपल पुलिंग भी दे सकते हो। अभी भी मैं इसमें पुलिंग टेक्निक कर सकती हूँ बिकॉज मेरे नीचे से मैंने बॉबी पिन से लॉक नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैंने रबर बैंड से लॉक किया है, तो अभी भी हम इसमें पुलिंग टेक्निक दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई बेसिक थ्योरी से लेके एडवांस टेक्निक तक की बातें। तो ये सब लेके आए हैं हम 3 दिन का हेयर स्टाइल का मास्टर क्लास जो होने वाला है 16, 17, 18 अगस्त, मतलब 3 दिन के बाद हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास होगा, जिसमें हम थ्योरी से प्रिपरेशन नॉलेज से 6 अलग अलग डिफरेंट लुक सिखाएंगे जो आपके प्रैक्टिकल ब्राइडल लुक पे काम आने वाले, दोनों भी रहेंगे, क्विक भी रहेंगे एंड एडवांस भी रहेंगे। वो 6 लुक में से और आप कैसे क्रिएट कर सकते हो उसका नॉलेज भी देंगे, मतलब 6 + 6 = 12 तो होंगे आपके लुक्स, तो जरूर से ज्वाइन कीजिए। 3 दिन का क्लास ऑनलाइन है सिर्फ और सिर्फ 1000 एंड ऑफलाइन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ में यहाँ पे हमारी एकेडमी में होने वाला है मुलुंड मुंबई में, और उसकी फीस है जस्ट ₹7000। सीट बहुत लिमिटेड है, तो ऑफलाइन के लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो जल्दी से आपकी सीट बुक कीजिए। नीचे नंबर ऑलरेडी पिन है 9773354947, इसी पे आपको कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स में लेके आपको पेमेंट करना है। सो नेक्स्ट पार्ट अभी हम करेंगे फ्रंट वेरिएशन। अकॉर्डिंग टू फ्रंट वेरिएशन किस तरह से आपको हेड शेप के अकॉर्डिंग उसको वर्क करना है। मैम स्ट्रेटनिंग आइकॉनिक मशीन कौन से नंबर का ले? स्ट्रेटनिंग ले सकते हो। पहले क्रिम्पिंग किया था? यस, पहले ही क्रिम्पिंग करके रखा हुआ है। अब वर्क करेंगे फ्रंट पार्ट पे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिडल सेक्शन, सॉरी साइड पार्टीशन। अकॉर्डिंग टू हेयर, अकॉर्डिंग टू फेस, यू हैव टू जज कि अभी इनका फेस, अगर आपको जजमेंट आ रही है, इट्स कॉल्ड फेस फ्रेमिंग। किस तरह से, किस फेस पे आप मिडल पार्टीशन लेना है, किस में आपको साइड पार्टीशन लेना है, साइड भी नहीं सूट हो रहा है, बट अगर इनका फेस का जजमेंट दू तो मिडल में ब्रॉड और साइड में स्मॉल है, तो हमें सिर्फ कवर मिडल पार्ट जितना ही करना है। अगर आपका मांग टीका प्लेस कर रहे हो तो आप इनको मिडल पार्ट भी दे सकते हो। तो ये हो गई फेस फ्रेमिंग। इसी तरह हम अलग अलग मॉडल्स पे आपको सिखाएंगे, फेस स्ट्रक्चर किस तरह से पहचानना है वो भी सिखाएंगे। वो डिटेल हो गया थ्योरी नॉलेज में, बहुत सारी डिटेल में आपको अलग अलग टेक्निक से पूरा डीप नॉलेज के साथ में ये 3 दिन का क्लास होगा हमारा। यहाँ पे हम वर्क करेंगे अब यहां से मैं एक सेक्शन अलग कर देती हूं। ठीक है, एंड बैक साइड यहां पे हम वर्क करने वाले हैं ब्रेड स्टाइल वेरिएशन। अपोजिट ब्रेड करेंगे, मैम परफेक्ट कैसे करें? यहाँ पे मैंने सिखाया अभी पफ की टेक्निक, आप अभी ये टेक्निक को ट्राई करो। अगर और भी डीप नॉलेज चाहिए प्रॉपर तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, उसमें और डीप नॉलेज के साथ में सिखाया जाएगा आपको।
यहाँ पे अब मैं ब्रेड में वर्क करने वाली हूँ। स्ट्रेट ब्रेड करते हैं और उसको स्प्रेडिंग टेक्निक सिखाती हूँ आज। 1, 2 and 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अभी हम इसको एड ऑन करते जाएंगे। हाफ सेक्शन लिया, ऐड किया, ऐड करने पे अच्छे से दोनों पार्ट को कोम करो, अगेन टर्न। टर्न करने के बाद यहाँ का हाफ सेक्शन लिया एंड ऐड करेंगे। दोनों साइड एंड ऐड करते जाएंगे दोनों साइड का सेक्शन। हैंड मूवमेंट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हैंड मूवमेंट अगर आपके ठीक नहीं है तो भी आपका वेरिएशन, जैसा मैं बना रही हूँ, जैसे यूपिंग डाल रही हूँ, अगर वो प्रॉपर नहीं है तब भी आपका वेरिएशन अलग दिख के आएगा। तो मेक श्योर आप एक एक चीज नोट करो। तो यही सब स्टेप बाय स्टेप हमारा क्लास होगा। एक एक चीज वहां पे एक्सप्लेन होगी कि किस तरह से हमने यूपिंग किया है, किस तरह से हमने बैक कॉमिंग की है, एवरीथिंग इन डीप नॉलेज के साथ। फुल सेक्शन क्रिम्पिंग में ऐसे हेयर नहीं रहते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि आपकी क्रिम्पिंग टेक्निक रॉन्ग है। आप लर्न कीजिए हाउ टू क्रिम्प प्रॉपरली। बहुत लोग क्रिम्पिंग करते हैं और तो भी इनके बेबी हेयर्स आउट होते हैं, सेट नहीं होते, बिकॉज क्रिम्पिंग टेक्निक रॉन्ग होती है। क्रिम्पिंग पकड़ने का मशीन पोजिशन रॉन्ग है, बहुत सारी प्रॉब्लम। सिर्फ क्रिम करना मतलब प्रेस करना नहीं होता है, एंगल बाय एंगल आपको उसको प्रेसिंग करना है प्रॉपर, ताकि एक भी हेयर बेबी हेयर आपके आउट ना हो, वो जरूरी है। और जितना दिन वो 2 से 3 दिन हम एक ही मॉडल पे वही क्रिम्पिंग में वर्क कर सके, तब तक उसकी क्रिम्पिंग वैसे की वैसी रहनी चाहिए, तो आपकी क्रिम्पिंग प्रॉपर हुई है। अब मैं यहाँ पे स्प्रेड करूंगी स्प्रेडिंग के साथ यू पिन से, इसको मैं होल्ड कर रही हूं। 1, 2 and 3 इजी टेक्निक, एकदम इजी टेक्निक में आपको आज मैं फ्रंट का एक अच्छा वेरिएशन सिखाऊंगी, जो आप आपके ट्रेडिशनल ब्राइड को भी करके दे सकते हो। सी फर्स्ट अगेन स्प्रेडिंग, यूपिन की पोजीशन। तो ये चीजें हैं जो बहुत डीपली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ हमारा ऑफलाइन क्लास है, जिसमें हम एक एक चीज आपको सिखाएंगे, टेक्निक क्लियर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ फर्स्ट टाइम एवर हमारे यहाँ पे 3 दिन का और इतनी कम फीस में हम फर्स्ट टाइम आपके लिए
क्लास लेके आए हैं हेयर का, तो जिनको भी अपग्रेड करना है, एटलीस्ट फिनिशिंग लेयर, एडवांस टेक्निक सीखनी है, बेसिक टू एडवांस वेरिएशन सीखने हैं, तो जरूर से ये 3 दिन का क्लास ज्वाइन कीजिए जो मुलुंड मुंबई में होने वाला है हमारी एकेडमी में। सी कितना अच्छा लग रहा है वेरिएशन। Easy, quick. अगर आपने एड ऑन वाले पार्ट भी ठीक से अगर प्लेस नहीं किया है, प्रॉपरली एड नहीं हुआ है, तो भी आपका वेरिएशन अलग दिखेगा। मेक श्योर प्रॉपर पिनिंग प्लेसमेंट। सी मैं बहुत इजी टेक्निक से ये वेरिएशन कर रही हूँ, जस्ट स्प्रेडिंग पिन डाल यू एंड पुलिंग। तो ये है हमारी अंकिस की खुद की टेक्निक, जिससे आप अच्छे से इजी टेक्निक के साथ में एडवांस टेक्निक को भी एक्सेप्ट कर सकते हो और आपके क्लाइंट को भी दे सकते हो। बहुत लोग का मानना है कि हम एडवांस टेक्निक क्लाइंट को नहीं दे सकते बिकॉज टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी स्पीड, प्रैक्टिस और टेक्निक, क्विक टेक्निक सीखिए जिससे आप आपका वर्क कर सकते हो। मैम फीस क्या है 3 दिन का? 3 दिन की ऑनलाइन क्लास की फीस है 1000 एंड यही सेम क्लास हमारा ऑफलाइन होने वाला है जिसकी फीस है 7000। सीट बुकिंग कंपलसरी है, सीट बुकिंग करना कंपलसरी है। लास्ट मोमेंट ऑफलाइन क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, लिमिटेड सीट्स ही बची है, तो मेक श्योर जिनको भी ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी आइए और आपकी सीट कॉल करके बुक कर सकते हो। वीडियो सेव रहेगा? नो डियर, गुड वर्क मैम। वर्क तो गुड है बट टेक्निक कैसी लगी आप लोगों को? टेक्निक अच्छी लगी? हाउ इज द टेक्निक, डिड यू लाइक इट और नॉट? ऑनलाइन क्लास कैसे बुक करें? ऑनलाइन क्लास के लिए बुकिंग के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पे जीपे, फोन पे, पेटीएम करके सेम नंबर पे, व्हाट्सएप पे आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। तो सेम नंबर है पेमेंट के लिए, सेम नंबर है स्क्रीनशॉट के लिए, तो सेव द नंबर 9773549947, इसी पे आपको पेमेंट करना है। यही सेम नंबर अकेडमी के नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भी भेजना है आपके पेमेंट का, आप ऑफलाइन क्लास की बुकिंग भी कर सकते हो। सी इट्स लुकिंग लवली, आपकी स्प्रेडिंग में पुलिंग टेक्निक जो आज मैंने सिखाई है कितना इजी वे, जस्ट स्प्रेड। बहुत लोगों को पुलिंग में फिनिशिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ये आप टेक्निक यूज कीजिए। तो इस तरह से जो हमने आज एक टेक्निक सिखाई है उसी तरह से आपको बहुत सारी और भी टेक्निक हम सिखाने वाले हैं जो हमारा ये 3 दिन का मास्टर क्लास होने वाला है। 3 दिन का मास्टर क्लास, 3 दिन ही बचे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जिनको भी एनरोल करना है जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए, अपग्रेड कीजिए, नए वेरिएशन सीखिए। वी आर ट्राइंग कि हमारे क्लास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नए वेरिएशन, ये 10 दिन का क्लास का एक भी वेरिएशन आज तक जिन्होंने भी क्लास अटेंड किया रहेगा, एक भी वेरिएशन रिपीट नहीं होता है। ऑलवेज वी आर बिलीविंग इन न्यू टेक्निक के साथ न्यू वेरिएशन, न्यू लुक सिखाए, क्विक भी सिखाए क्लाइंट पे करने के लिए और एडवांस भी सिखाए।
दोनों भी आना जरूरी है, सिर्फ एक से काम नहीं चलता है। सिर्फ एडवांस आएगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ क्विक सीखोगे तो भी नहीं चलेगा। आपका फुटफॉल बढ़ाने के लिए आपको क्लाइंट को न्यू वैरायटीज देनी ही है। एकेडमी कहाँ है मैम? मुलुंड में है, मुंबई में है। टाइम 2 o'clock ऑनलाइन का टाइमिंग रहेगा 2 to 4, ऑफलाइन का टाइमिंग रहेगा 2 o'clock to 6 o'clock। सुपर। ऑफलाइन अभी 3 दिन का है, नेक्स्ट 20 days का फुल डिप्लोमा कोर्स आ रहा है ऑफलाइन में, विथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस फुल कोर्स, जो 5th of September से मेकअप एंड हेयर दोनों का क्लास स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को बिग लंबा कोर्स करना है फुल डिटेल विथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस तो 20 दिन का कोर्स आ रहा है डिप्लोमा कोर्स, जिसमें आप एनरोल कर सकते। नो आइडिया, पाकिस्तान से मुझे कोई आइडिया नहीं है पेमेंट का। आप वेस्टर्न यूनियन चेक कर सकते हो, डायरेक्ट पेमेंट ये चेक कर सकते हो, मैं पेमेंट डिटेल भेज दूंगी, आप एक बार चेकआउट कर लो। सी कितना इजी क्विक वे में मैंने अच्छे से एक आपको टेक्निक सिखा दी। इजी वे, ऑनलाइन क्लास का प्राइस 1000 है, जस्ट 1000। थ्योरी नॉलेज, प्रिपरेशन नॉलेज के साथ में 6 different लुक रहने वाले हैं। ट्वेंटी डेज की फीस आप हमें नीचे नंबर पे डीएम कर दीजिए, मैं पूरा डिटेल आपको भेज दूंगी। 20 days डिप्लोमा कोर्स फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। ट्वेंटी डेज डिप्लोमा कोर्स बहुत सारे बेनिफिट के साथ में है, आप नीचे नंबर पे पिन की नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी की सारी डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। एस फॉर्म लेते हैं, सो गाइस जिन लोगों को भी ये वेरिएशन मेरी टेक्निक अच्छी लगी है, मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जुड़ाइए, ताकि वो लोग भी कुछ अच्छी टेक्निक, कुछ न्यू वेरिएशन हमसे सीखे। यहाँ से स्प्रेड करना है, कट करो, कट प्लीज डोंट कॉल। जस्ट अ सेकेंड, यहां से स्प्रेडिंग
ये टाइम लिंक भी देंगे ऑनलाइन के लिए। यस आपको जितनी जानकारी चाहिए मैंने नीचे एक नंबर पिन किया हुआ है, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिटेल उसी पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। वीडियो सेव करना प्लीज। आप लोग ने व्यूअर्स नहीं बढ़ाए, मैक्सिमम शेयर नहीं किया है। जितने लोग ज्यादा मैक्सिमम शेयर करेंगे मैं सोचूंगी वीडियो सेव करना। ऑनलाइन मेकअप क्लासेस अवेलेबल है क्या मैम? अभी नहीं है, नेक्स्ट मंथ होंगे। प्राइस प्लीज। नेक्स्ट मंथ हमारा होगा क्लास, ये मंथ हमारा नहीं है। इसी को मैंने पूरा नीचे लॉक कर दिया 20 के साथ में रबर बैंड के साथ। अब यहां से भी वन साइड फुल वेरिएशन लेके एक साइड में पिन कर देंगे। पूरा वेरिएशन हमारा नीचे साइड से फुल। अभी यहाँ पे इतना करके आप नीचे बंद बना सकते हो या पहले से इसका बंद बना के रेडी रखो तो फुल वन साइड। तो आप भी इस तरह से फिनिशिंग के साथ वर्क करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो जरूर से ज्वाइन कीजिए एंड न्यू टेक्निक सीखिए। अभी हम नीचे एक क्विक ब्रेड सिखाएंगे, फटाफट से आप कर सको वैसा। नीचे से सेक्शन बाय सेक्शन वर्क करेंगे। सेक्शन बाय सेक्शन वर्क करने के बाद हम इसको दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे एंड ऊपर ले लेंगे। यहाँ पे रबर बैंड करेंगे
को रबर बैंड को मैं ट्विस्ट कर दूंगी ऊपर से नीचे एंड पुलिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 और इसको हम टाइट करते जाएंगे। क्विक इजी टेक्निक है जो आप विदाउट प्रिपरेशन हेल्प पे भी ये वर्क कर सकते हो। तो ऐसे ही वेरिएशंस होंगे, एडवांस वेरिएशन भी होंगे कि आप दोनों पे किस तरह से वर्क कर सकते हो, वो टेक्निक हम आपको सिखाएं। वापस से नेक्स्ट पार्टीशन लूंगी मैं, अगेन नीचे से सेक्शन को अलग करेंगे। शाइन स्प्रे दो पार्टीशन में इसको डिवाइड कर दूंगी एंड ऊपर ले लेंगे सेक्शन को और रबर बैंड। सबसे पहले इसको आपको रबर बैंड करना है। हल्का सा क्रॉस ले रही हूं रबर बैंड डाल के इसको ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्टिंग देन पुलिंग 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे सेक्शन ले रहे हो वैसे वैसे आप उसको पिन करते रहो, एटलीस्ट पिनिंग से करो ताकि आपका लुक अच्छा आए, नीट वर्क में भी पुलिंग दिखे। अभी हमारी क्रिंप वाले हेयर है इसलिए हम इतने अच्छे से फिनिशिंग में पुलिंग भी कर पा रहे हैं। अगर क्रिंपिंग नहीं है आपके क्लाइंट के हेयर पे, आपको टाइम नहीं मिला है, तो आप ये रैंडम पुल भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ क्रिंपिंग वाले बालों पे ही वेरिएशन होगा, आप दोनों हेयर पे विदाउट प्रिपरेशन हेयर पे भी इस तरह से आप वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगेन नेक्स्ट पार्टीशन शाइन स्प्रे दो सेक्शन में डिवाइड एंड मिडल से सेक्शन दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे और अभी थोड़ा रबर बैंड ये साइड लेंगे ताकि हमारी रबर बैंड भी ना दिखे एंड वर्क भी इजीली हो। तो
कैसी लगी आज की हमारी हेयर स्टाइल की टेक्निक, आज का ये वेरिएशन? वन ट्विस्टिंग, पुलिंग, आप नॉर्मल हेयर पे भी ऐसे खींच सकते हो और उसका वेरिएशन कर सकते हो। हल्का सा लुक एनहांस कर लें। मैं एक 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 सिर्फ कूलिंग को पकड़ के यहाँ पे मैं मैम आप रोज लाइव आते हो? रोज तो नहीं आते, बट यस जो भी हम क्लास में सिखाते हैं, बीच बीच में कुछ टेक्निक दिखानी होती है तो जरूर से आते हैं लाइव में। आप हमें फॉलो करते रहिए, कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक्स, न्यू वेरिएशन सब सीखने मिलेगा आपको। ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट मैम? 16, 17, 18 तीन दिन हमारे ऑनलाइन के क्लास होने वाले हैं, जिनको भी रजिस्टर करना है। तीन दिन बचे हुए हैं, जल्दी से जल्दी एनरोल कर दीजिए। नाइस हेयर स्टाइल, थैंक यू। क्विक है, इजी टेक्निक, सिंपल क्विक। आप भी आपके क्लाइंट को ऐसे कुछ विदाउट प्रिपरेशन है किसी को चाहिए तो आप करके दे सकते हो। विद प्रिपरेशन भी ये फिनिशिंग के साथ में होती है, जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया था इसी के पहले, आज जो हमने क्लास में सिखाया है वो भी इतना ही अच्छा लुक देगा जितना कि ये देगा। मैम ऑनलाइन क्लासेस में भी सर्टिफिकेट मिलेगा? यस, सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास में होने वाला है। आप दोनों क्लास ज्वाइन करके, कोई भी क्लास ऑफलाइन यहाँ पे नहीं आ सकते तो आप वर्ल्ड के कोई भी कोने में हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो हमारा क्लास एंड अपग्रेड कर सकते हो आपकी फिनिशिंग, आपकी टेक्निक, आपकी वेरिएशन, आपका फ्रंट पार्ट, फ्रंट वेरिएशन। जो सिर्फ किसी किसी को सिर्फ फ्रंट वेरिएशन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इस तरह से हम फ्रंट वेरिएशन भी अलग अलग सिखाने वाले हैं। बैक में भी अलग अलग वेरिएशन होंगे, 6 के साथ 6 + 6 = 12 तो मैं बोल ही सकती हूँ कि आपको अलग अलग 12 हेयर स्टाइल तो आप आराम से क्रिएट कर सकते हो उसमें से। Nice ma'am, superb, very beautiful. Thank you. This is just a technique. आपने एक technique use की, rubber band लगाई, twist किया and pull किया। से कितना easy था, एक easy way में भी मैंने एक variation को create करके दिखाया है। तो ऐसे और वेरिएशन सीखने हैं, एडवांस टेक्निक सीखनी है तो आप जरूर से हमारे क्लास ज्वाइन कीजिए, जो 3 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है। से मैंने इतनी बीच में रबर बैंड डाली है, अब जिस तरह से मैंने एक के बाद एक सेक्शनिंग ली है, एक में भी रबर बैंड नहीं दिखी आएगी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। नीचे नीचे से सेक्शन अभी क्विक में मैं आपको एक वेरिएशन कंप्लीट करते हैं। ये लुक इसी का आप मेसी बन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्विक में ये करके मेसी बन में आप इसको लुक में कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट ट्विस्ट, पुल पुल पुल,
क्रिम्पिंग मशीन कौन सी है? आइकॉनिक ही है हमारी मशीन। नीचे से सेक्शन बाय सेक्शन आप, मैंने ये मैसी दिखाया आप इसको फिनिशिंग के साथ भी स्ट्रेट में भी वर्क कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा अलग लुक दिखाना था आप लोगों को, क्विक वाला लुक दिखाना था जो फ्रंट एडवांस करके बैक में क्विक में वर्क करना सिखाना है। तो आज ये वेरिएशन चूज किया जिससे आप प्रैक्टिकल क्लाइंट पे कर सकते हो। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल विद एडवांस टेक्निक दोनों भी रहेगी। जिनको भी एनरोल करना है जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए एंड वेरिएशन सीखिए। मैम प्रैक्टिस के लिए डमी कितने तक आएगा, कुछ आइडिया दे सकते हो? आप नीचे नंबर पे कांटेक्ट पे पूछ लीजिए, आपको फोटो के साथ में डमी की प्राइस के साथ आपको फोटो भी मिल जाएगा। जस्ट लास्ट टू सेक्शन, ऐसे अनलिमिटेड वेरिएशन हम सिखाने वाले हैं। हमारे 20 डेज के डिप्लोमा क्लास में मोर देन 30 वेरिएशन विथ प्रिपरेशन विथ थियोरी नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज। जिनको भी ये 20 डेज का डिप्लोमा कोर्स करना है ऑफलाइन, तो जो स्टार्ट हो रहा है हमारा 5th of September से, आप जिनको भी रजिस्टर करना है नंबर मैं नीचे पिन कर दूंगी, आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हो। फुल प्रोफेशनल कोर्स हमारी एकेडमी में मुलुंड मुंबई में होने वाला है। द लास्ट पार्ट, अभी ये लास्ट सेक्शन ले लेती हूँ। स्ट्रेटनर कौन सा अच्छा है मैम सैलून के लिए? आइकॉनिक ले सकते हो आप। नाइस मैम, कैन यू यूज टफ्ट स्प्रे इंस्टेड ऑफ ऑसिस मैम? यस। हेयर स्प्रे कौन सा बेस्ट रहता है? हेयर स्प्रे आप ऑसिस यूज कर सकते हो, अच्छा है। मैम मेन हेयर स्टाइल करते समय बालों को स्मूथ करने के लिए कौन सा स्प्रे करें? मेन हेयर स्टाइल आप हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको प्रिपरेशन से सिखाएंगे, हेयर टेक्सचर से सिखाएंगे, आप किस तरह से वर्क कर सकते हो हेयर पे। अगर आपको वो नॉलेज आएगा तो आप कोई भी हेयर पे वर्क करना सीख जाओगे। तो उसके लिए आपके थ्योरी पार्ट क्लियर होना जरूरी है जिससे आप वेरिएशन कर सकते हो, आपके हेयर टेक्सचर को चेंज कर सकते हो।
तो यहीं पे हमारा वेरिएशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे प्लेस कर देंगे एसेसरी। प्लेसमेंट भी प्रॉपर आपका होना चाहिए जिससे आपका लुक एनहांस हो अच्छे से। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा ऑसम हेयर स्टाइल। थैंक यू। तो कैसा लगा आप लोगों को सभी को ये आज का फुल लुक? आप इसको मेसी बन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको मेसी बन भी ले सकते हो, जस्ट ट्विस्टिंग एंड प्लेस, हो गया आपका मेसी बन। लॉक कर देंगे मेसी बन के लिए, तो ये मेसी बन भी बन जाएगा। और इसको भी ओपन रखेंगे तो ये मेसी चोटी बन जाएगी।
सुपर वाव, थैंक यू। वॉइस बहुत कम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वर्क डन, बहुत बहुत अच्छा, ऑसम स्टाइल, थैंक यू सो मच। सो आज आपको एक अच्छी टेक्निक, पफ की टेक्निक भी सिखाई, फ्रंट वेरिएशन एंड बैक वेरिएशन। सो इस तरह से और भी वेरिएशंस अगर आपको सीखने हैं तो आप हमारा 3 दिन का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो होने वाला है 16, 17, 18 ऑफ अगस्त। ऑनलाइन फीस इज जस्ट ₹1,000 एंड ऑफलाइन फीस है जस्ट ₹7,000 विथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए, नीचे नंबर पिन है 9773354947 पे आपको रजिस्टर करना है और अपग्रेड योर स्किल। सो थैंक यू गाइज, विल मीट यू सून। वापस से कल मिलेंगे विथ न्यू वेरिएशन। आप हमारे स्टोरी पे टाइम चेकआउट करते रहना एंड विल पोस्ट टुमारो लाइव सेशन। कल का लाइव सेशन का भी टाइमिंग हम पोस्ट करेंगे। थैंक यू। थोड़ा साइड ही रहे आगे, हाँ बस। टाइमिंग है ऑनलाइन क्लास की 2:00 to 4:00 एंड ऑफलाइन क्लास इज 2 to 6 PM। ओके गाइस, बाय बाय।